हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। SC ST एटोसिटी एक्ट का हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में कितनी संजीदगी से पालन किया जा रहा है, इस बात को उजागर करने वाली क्वेस्ट ऑफ जस्टिस किताब का आज हिमाचल प्रदेश में भी लोकार्पण हो गया। मंडी में पर्वतीय महिला अधिकार मंच की संयोजकता बिमला प्रेमी और अन्य एक्टिविस्टों ने आज इसका लोकार्पण किया। इस किताब के माध्यम से राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान एवं राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन संस्था के प्रयासों से प्रकाशित किया गया है, जिसमें दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों की विस्तार रिपोर्ट बनाकर पेश किया गया है। 175 पन्नों की इस किताब में वर्ष 2009 से वर्ष 2018 के बीच देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्ट के प्रति अपनाई जा रही सुस्ती का खुलासा किया गया है। हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो इस किताब के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ SC ST एटोसिटी एक्ट सिर्फ सरकारी कार्यालयों में बैठकों तक ही सिमट कर रह गया है। तो एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें ये पूरी राष्ट्रीय लेवल की रिपोर्ट है और इसमें जो है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जो मांग की गई है और विभिन्न तरह के आंकड़े जो हैं इसमें एक्ट के लिए डाले गए हैं कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ गैप्स हैं और कहाँ कहाँ जो है वो अच्छी चीज़ें हुई हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि इस रिपोर्ट में कि आंकड़े जो हैं वो जो जिला स्तर की जो सतर्कता कमेटियाँ हैं उन कमेटियों की मीटिंगें हुई हैं, बट वो निरंतर रूप से नहीं हो पाई है। तो हम ये चाहते हैं कि वो कमेटियों की जो मीटिंग निरंतर रूप से हों, ताकि एक तो अवेयरनेस आए, दूसरा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारी जो सरकार है, उनसे मैं अनुरोध जरूर करना चाहूँगी कि अवेयरनेस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि गांव में कोई एट्रोसिटी का मामला हो ही ना, हमें कभी किसी भी केस को लेके कोई फैक्ट फाइंडिंग ना करनी पड़े। हम चाहते हैं समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, जहाँ पे समाज के हर वर्ग के लोग हर तरह से जो है अपनी ज़िंदगी हर अच्छे तरीके से जी पाएँ, ना कि हम इस तरह से जिएं कि समाज में जो टकराव है, खासकर जो जातीय टकराव हैं, वो इतना बढ़ जाएँ कि हमें एट्रोसिटी के मामलों को जो है इस तरीके से मीडिया के सामने प्रेजेंट करना पड़े। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज।